अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू की सब्जी। पूरी भाजी बनाते हैं वो वाली भाजी। बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी सब्जी बनती है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए हमें चाहिए अदरक लहसुन और ग्रीन चिली। सबसे पहले अदरक लहसुन को बारीक खींच के लीजिए और ग्रीन चिली को एकदम फाइनली चॉप करके रेडी रखिए। एक फ्राइंग पैन लीजिए, गैस को रखिए मीडियम फ्लेम पर और 1 टेबलस्पून ऑयल डालिए। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून साबुत राय और साबुत ज़ीरा। बस 30 सेकेंड्स उसको क्रैकल होने दें। अब हम इसमें डालेंगे 1 डंडी कड़ी पत्ते की। अब हम इसमें डालेंगे घिसा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च। 2 मिनट्स अच्छे से रोस्ट करके लें, भून कर लीजिए। 2 मिनट्स बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक। 1 मिनट अच्छे से उसको भून कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 6 to 7 बिग बॉयल्ड पोटैटोस लिए हैं, उनको स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में कट करके लें और 1 टीस्पून सॉल्ट डालिए और हाथ से उसको मिक्स करके लें। इससे सॉल्ट बहुत अच्छी तरह से पोटैटोस में लग जाता है। ये रेडी है, इसको साइड में रखिए। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चॉप ऑनियन, प्याज बारीक कटा हुआ। 5 मिनट हमें रोस्ट करना है, भूनना है, जब तक अपनी ऑनियंस है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। 5 मिनट के बाद गैस को रखिए लो फ्लेम पर और हमने जो बॉयल पोटैटो सॉल्ट लगा के रखे थे वो अब हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके लीजिए, अपने जो मसाले हैं वो पोटैटोस में अच्छे से लगने चाहिए। 2 मिनट्स अच्छे से भून कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया। एक बार वापस से मिक्स कीजिए और गैस को बंद कर दें। बहुत ही लजीज अपनी आलू की सब्ज़ी रेडी है। इसको आप पूरियों के साथ या रोटी के साथ सर्व करिए। सबसे पहले हमारी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Delicious!